सुजानगढ़ के नाथो तालाब पर राज के दुर्गादत्त फतेहपुरी मात्र एवं शिशु कल्याण केंद्र का विधायक मनोज मेघवाल ने फीता काट कर उद्घाटन किया, जो अपने आप में काफी चर्चा का विषय रहा। उद्घाटन कार्यक्रम की सभा में दो फ्लेक्स लगे थे, पहला तो राजकीय अस्पताल के लोकार्पण का था तो दूसरा एक निजी मेडिकल स्टोर के उद्घाटन का था। विधायक ने अस्पताल का उद्घाटन करने से पहले एक निजी मेडिकल स्टोर का फीता काट कर उद्घाटन किया। इसके बाद विधायक और उनके सभी साथी नेता फतेहपुरिया मातृ एवं शिशु कल्याण केंद्र पहुंचे और वहां पर सभापति नीलोफर गोरी, कांग्रेस नेता पूसाराम गोदारा, बामाशाह परिवार के राजा राम फतेहपुरिया के साथ फीता काट कर अस्पताल का लोकार्पण किया। आपको बता दें विधायक कोटे से 35 लाख रुपये और फतेहपुरिया चैरिटेबल ट्रस्ट से 21 लाख रुपये लगने के बाद इस अस्पताल का जीर्णोद्धार कार्य पूर्ण हुआ है। यहां पर मातृ एवं शिशु वार्ड राज के बगड़िया अस्पताल से शिफ्ट किया गया है ताकि बगड़िया अस्पताल में मरीजों का दबाव या भार कम हो सके। फीता काटने के बाद पीएमओ डॉक्टर सुरेश कालानी ने विधायक और अन्य नेताओं को अस्पताल का भ्रमण करवाकर व्यवस्थाओं के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी। उसके बाद अस्पताल के सामने खुली जमीन पर सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बामाशाह परिवार के राजा राम फतेहपुरिया, विधायक मनोज मेघवाल का विशेष सम्मान किया गया। इस अवसर पर विधायक मनोज मेघवाल ने कहा कि राज्य सरकार ने चिरंजीवी जैसी ऐतिहासिक योजनाएं चलाई है जो अपने आप में पूरी दुनिया में मिसाल बनी है। उन्होंने भामाशाह परिवार का भी आभार प्रकट किया। कार्यक्रम में पीएमओ डॉक्टर सुरेश कलान ने आयोजित पृष्ठभूमि को रेखांकित किया। इस अवसर पर कांग्रेस नेता मोहम्मद इद्रिस कोरी, विद्याधर बेनीवाल, रामावतार शर्मा, राधेश्याम अग्रवाल, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रदीप तोदी, सरपंच कन्हैयालाल शर्मा, पार्षद लिया कतली, मधु बागरेचा, सुनीता रावतानी आदि लोग मंचस्थ रहे। वहीं कार्यक्रम में पार्षद आसिफ अली चौहान, आसिफ खान असवान, अमजद खान कायम खानी, एडवोकेट सलीम खान गाजी, इकबाल खान कायम खानी, डॉक्टर कर्णिदान चारण, कांग्रेस नेता धर्मेंद्र कीलका, पार्षद मुकुल मिश्रा, फारूक भुट्टा, नवीन डूडी, प्रदेश वाल्मीकि सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। चिकित्सकीय स्टाफ के अनेक लोगों को सम्मानित किया गया। वहीं चिकित्सा कर्मी स्वर्गीय लक्ष्मण दान कविया की प्रथम पुण्यतिथि पर उनके पुत्र अरविंद सिंह कविया एवं परिजनों ने वाटर कूलर भी अस्पताल में भेंट किया, जिसका विधायक मनोज मेघवाल ने लोकार्पण किया। अरविंद कविया ने अपर लोक अभियोजक डॉक्टर कर्णिदान चारण की प्रेरणा से यह वाटर कूलर अस्पताल में लगवाया है ताकि भीषण गर्मी में जनता को राहत मिल सके। वहीं जिस वक्त सरकारी अस्पताल के उद्घाटन समारोह की सभा चल रही थी तो ठीक उसी वक्त मंच के पीछे दो फ्लेक्स लगे थे, पहला तो सरकारी अस्पताल के लोकार्पण समारोह का तो दूसरा था निजी मेडिकल स्टोर के लोकार्पण का, जो अस्पताल द्वारा की गई व्यवस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह लगातार नजर आया कि अगर सरकारी कार्यक्रम है तो निजी का मेडिकल स्टोर का फ्लेक्स लगाए जाने का क्या उचित था, और अगर निजी कार्यक्रम है तो अस्पताल के पूरे कार्यक्रम को इस निजी कार्यक्रम में शिफ्ट करने की कौन सी नौबत आ गई थी। फिलहाल कांग्रेस नेता धर्मेंद्र कीलका ने बताया कि टेंट मेरे निजी खर्चे से लगा था और उस पर ही दोनों होर्डिंग लगे थे। अब ये बात गले नहीं उतरती कि अस्पताल के पीएमओ या अस्पताल प्रशासन को निजी टेंट में सरकारी कार्यक्रम करने की कौन सी नौबत आ पड़ी थी। महिला एवं शिशु कल्याण केंद्र चलता रहा था, 20 के वर्षों में थोड़ा स्टाफ की कमी की वजह से इसको सरकारी अस्पताल में शिफ्ट करना पड़ा था। उसके बाद में इस बार जब वहाँ ओपीडी पे प्रेशर ज़्यादा बढ़ा, वार्डों की भर्ती के लिए बेड कम पड़ने लगे और स्टाफ पिछले 2 साल से लगभग भरा हुआ है, वहाँ पे फुल है स्टाफ, तो हमने ये तय किया कोरोना के टाइम में कि जब उस समय ये लगा कि भी बहुत जरूरी है कि इस बेड पूर्ति हो नहीं रही थी, तो कहीं जब इसका क्रमोन्नत भी इस दौरान 150 बेड का ये हॉस्पिटल हो गया था आपको ध्यान में हो तो, उसके बाद में अतिरिक्त 50 बेड लगाने की बात हुई तो पीएमओ साहब ने कहा कि अभी जो 100 बेड है उसको लगाने में भी हमारी परेशानी आ रही है, तो 50 बेड लगाने की क्षमता इस अस्पताल में है नहीं, कोई अल्टरनेट व्यवस्था हो या इसका भवन का विस्तार हो, भवन का विस्तार संभव हो नहीं पाया क्योंकि पुराना भवन था, इसलिए हमने सबने तय किया कि वो पुराना जनाना अस्पताल है उसकी क्या स्थिति है उसको देखा जाए। यहाँ आके देखा तो बहुत बढ़िया बना हुआ था, सिर्फ 15-20 में बंद रहने के कारण मेंटेनेंस नहीं हो पाता, उस कारण से काफी काम इसमें होना था, तो हमने तय किया कि जैसे भी हो भामाशाह आगे आए। इसके अलावा हमने सरकारी फंड से विधायक कोष से मैंने 35 लाख रुपए दिए थे कि इसका एक बार पूरा जीर्णोद्धार कर दिया जाए, इसके ताकि इसमें जो शिफ्ट करें तो कोई दिक्कत नहीं हो। मामा साहब ने भी अच्छा 21 लाख रुपए का सहयोग किया और उसके बाद में हमने
तीन चार महीने तक लगातार इसका एक एक चीज स्वयं ने देख के और उसके बाद में इसका तय करके, और इसमें एक बार हमने ओपीडी चलाकर इसका देखा दो तीन महीने की भी क्या स्थिति रहती है, किस कोई परेशानी तो नहीं रही है। जब दो तीन महीने लगातार ओपीडी चलने के बाद में बहुत अच्छे तरीके से होगा, उसके बाद में पीएमओ साहब ने कहा कि अब इसको परमानेंट शिफ्ट कर दिया जाए, तो उसको अब शिफ्ट कर दिया गया पन्ना में, और आज जो कार्य हुए हैं उसका लोकार्पण। सुजानगढ़ शहर के गांधी चौक में सुजला महासत्याग्रह जारी है और 78 वर्षीय भंवरी देवी की 65 घंटे की भूख हड़ताल को सरोज देवी सोनी ने जूस पिलाकर स्थगित करवाया। विजय पाल शुरान ने बताया कि भंवरी देवी के संघर्ष को देखते हुए हम लोगों ने मिलकर उनको सुजला नेत्री के सम्मान से नवाजा है। कार्यक्रम में सभी लोगों ने सुजला जिले की मांग को लेकर नारेबाजी की। इस अवसर पर मोहम्मद मुश्ताक खान कायमगानी, भंवर लाल गिलान, राजू सिंह भाटी, मदन लाल सोनी, गोविंद जोशी, मंगतू खाल आडवाण, विद्या प्रकाश बागरेचा आदि ने माला पहना कर वह उपस्थित लोगों ने पुष्प वर्षा करके भंवरी देवी का सम्मान किया। बाद में कोई आर संभाली को नहीं था तो मैं कौन बैठती तो लोगों में पची कर ली नहीं कैसे बैठ उठू को नहीं कड़ा कड़ा आवे मैं अठे ही जन ले नाने से रेड़ काल का आज मुख्यमंत्री का ही मांग है ये मारा बच्चा मांगे ने भाई मांग है मार जिला बने नहीं जिला बनाओ चाहिए। ये सुजला जिला बनाने की मांग है, ये 78 साल की है और 75 घंटे से भूख हड़ताल पर बैठी है सुजला बनाने के और भगवान के की मनोकामना पूरी करे सुजला जिला बने लेकर रहेंगे। सुजानगढ़ के एनके लोहिया स्टेडियम में पुलिस पब्लिक पंचायत का आयोजन किया गया। बैठक में एएसपी सुनील कुमार ने कहा कि पुलिस पब्लिक के सहयोग के बिना अधूरी है, इसलिए जनता को चाहिए कि वो जरूरी सावधानी बरते और समय पर पुलिस को सूचना दे ताकि अपराधों को होने से पहले ही रोका जा सके। डीएसपी राम प्रताप बिश्नोई ने बताया कि ताले लगाने से चोरों को सीधा पता चलता है कि कौन सा घर सोना है, इसलिए घर में किसी एक सदस्य के सोने की व्यवस्था जरूर रखें। डीएसपी ने कहा कि बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट पर जरूर ध्यान रखें कि कहीं वो कोई अपराधी को फॉलो या लाइक तो नहीं कर रहे हैं। विश्नोई ने कहा कि सीसीटीवी कैमरे गली को कवर करते हुए जरूर लगाएं ताकि पड़ोस के घर में चोरी होने पर पड़ोस के घर का कैमरा काम आ सके। वहीं सीआई मुकुट बिहारी मीणा ने कहा कि जेडीजे ज्वेलर्स के मामले में यहाँ की जनता व आम लोगों ने निश्चित रूप से बहादुरी का परिचय दिया जो पुलिस के लिए काफी सहयोगी रहा। उन्होंने नौकरों का वेरिफिकेशन करवाने, समय पर पुलिस को सूचना देने, ट्रैफिक व्यवस्था में सहयोग करने की अपील उपस्थित लोगों से की। कार्यक्रम में कमल दादी, पार्षद दीनदयाल पारिक, तेजपाल गोदारा, पुरुषोत्तम शर्मा, धनराज आर्य, अंसरा सोनी, नूर मोहम्मद खान पाड़ियान, विजय पाल शोरण, विकी चौहान, पवन प्रजापत सहित पंचायत। ये हमारे जो माननीय आईजी साहब है बीकानेर रेंज, उनका कंसेप्ट था जिसको अभी राज्य सरकार ने और पुलिस मुख्यालय ने भी गंभीरता से लेते हुए पूरे राज्य में लागू किया। क्योंकि अभी जो बात आई और इस तरह की बातें आ रही थी कि सीएलजी और शांति समिति उनमें कुछ चुनिंदा लोगों को या व्यक्ति विशेष को लिया जाता है, वो एक अलग मसला है, उस पर हम कुछ नहीं कहना चाहते। लेकिन ये जो पुलिस पब्लिक पंचायत है इसका मोटा थीम सिर्फ ये है कि चूँकि बढ़ते जो आबादी है और बढ़ते जो चैलेंज और चुनौतियाँ हैं उसको ध्यान में रखते हुए, चूँकि थानों में और व्रत में पुलिस की नफरी एक जो स्वीकृत नफरी है उस वो कम पड़ रही है, क्योंकि कम पड़ रही है लेकिन वो प्रभावी नफरी है, फिर भी पुलिस को पब्लिक का सहयोग मिले, उनके जो तकलीफें हैं वो किसी तरह कम हो, उनको ध्यान में रखते हुए कुछ चुनिंदा विषयों के साथ टू वे संवाद किया गया था जिसमें आप सब लोगों ने देखा बहुत अच्छी भागीदारी भी रही और लोगों ने बहुत सारी बातें बताई और सुजानगढ़ के जो लोग हैं वो बड़े संजीदा है और बड़े कोऑपरेटिव है। हमें लगता है कि ये जो आज जो बातें हुई है वो लागू की जाएगी और लोगों का अपेक्षित सहयोग हमें मिलेगा। जिस तरह से पुलिस को चुनौती मिली है कि जेडी, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है कि जो ये जो घटना घटी थी ये बड़ी घटना थी, क्योंकि इसमें पुलिस और पब्लिक जो पंचायत का जो कंसेप्ट है उसी को ध्यान में रखते पब्लिक ने बहुत सहयोग किया और पुलिस कर्मी के बारे में आपको पता ही है वो घायल हुआ, बाद में पुलिस मुख्यालय स्तर पे उनको सम्मानित भी किया गया, प्रमोशन भी दिया गया जो बहुत गर्व की बात है पुलिस विभाग के लिए भी। रही बात शेष आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए, तो चूंकि उनके ऊपर पुलिस मुख्यालय की तरफ से बहुत बड़े इनाम घोषित कर दिए गए और
इनाम घोषित करना अपने आप में यह दर्शाता है कि पुलिस इस मामले में कितना गंभीर है। रही बात उनके पकड़ दकड़ की, तो पुलिस की टीम में लगी हुई है और पुलिस मुख्यालय स्तर पे और पुलिस की जितनी भी एजेंसियां वो उस मामले में काम कर रही है उनके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर बना हुआ है।